मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट सारी क्वेश्चन बता चुका हूं। अब मैं उसका एक ब्रीफ चार्ट बना के दिखाऊंगा आपको, सो देट वो आपको हेल्प करेगा कन्वर्जन में, मीन्स कैसे हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं, राइट। और आज जो मैं आपको कन्वर्जन बताने वाला हूँ वो बताऊंगा ओनली कार्बन चेन की, मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब भी हम कार्बन चेन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम एल्केन फैमिली पढ़ते हैं, और एल्केन फैमिली के अंदर भी हमारा जो फर्स्ट मेंबर होता है दैट इज मीथेन। तो मैं मीथेन से स्टार्ट करूंगा, मीथेन से स्टार्ट करके मैं आपको अलग अलग टाइप के बहुत सी फैमिलीज बताऊंगा जिससे हम उसको बना सकते हैं, मीन्स किस कंपाउंड से हम क्या बना सकते हैं, राइट। सो हम स्टार्टिंग विथ, अगर मैं स्टार्ट करूं किसके साथ, मीथेन के साथ, फर्स्ट मेंबर भी है मीथेन। अगर मीथेन से जैसे ही हम एल्केन के अंदर क्लोरीनेशन करेंगे तो हमारे पास क्लोरोएल्केन बनेगा, और योकेन से हमारे पास जो एल्केन होता है वो किसमें चेंज हो जाएगा, हेलोएल्केन में। कैसे ध्यान से देखना, वी हैव अ CH4, इसके अंदर हम डाल रहे हैं क्या Cl2, और हमारे पास जो रिएक्शन होती है यहाँ हो गया इन द प्रेजेंस यूवी, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से देखो, क्या मेरे पास कार्बन है, चार हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन, दिस इज CH4, वी हैव नेक्स्ट वर्ड Cl2, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब है यहां से हाइड्रोजन जाएगा, उसके साथ क्लोरीन आएगा। रिएक्शन कैसे होगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका होगा होमोलिटी क्लीवेज। और जैसे इसका होमोलिटी क्लीवेज हुआ, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन का कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलिटी क्लीवेज। होमोलिटी क्लीवेज जैसे इसका हुआ, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन को आप चेक करोगे, कार्बन के अराउंड तीन तो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन उसका अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास अनपेयर्ड है, तो वो आपस में कंबाइन करके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और हमारे पास यहाँ पे एक एच विद 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन विद 1 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास कौन निकल जाएगा, हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा HCl। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन तीन उसके साथ हाइड्रोजन लगे, कार्बन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वहां से कौन कंबाइन हो जाएगा, Cl with 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन with 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन means formation of what, 1 bond means कार्बन उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, वो एक कौन क्लोरीन, means we have what, we have CH3Cl, this is what, this is chloromethane। Why free radical substitution reaction, क्योंकि क्लोरीन with 1 इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को। और जिन स्पीसीज के पास कोई भी चार्ज नहीं हो, मींस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उनको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं, राइट। तो मीथेन से क्लोरोमीथेन हमारे पास बना है, कैसे हमने उसकी क्या की है, क्लोरीनेशन की है, कौन सी रिएक्शन देता है मीथेन आपका, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ किसके, क्लोरीनेशन, राइट। तो मीथेन से हमारे पास फिलहाल कौन बन चुका है, क्लोरोमीथेन। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें एक एल्केन से दूसरे एल्केन को बनाना हो, मीन हमें कार्बन चेन को इंक्रीज करनी हो, तो हम क्या, हमारे पास एक रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज बुर्ज रिएक्शन। उसमें हम क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल लेते हैं किसके, हेलो एल्केन के, किसके साथ ट्रीट कराते हैं उसको, सोडियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, ट्राइएथर। मीन्स अगर मैं क्लोरोमीथेन के दो मॉलिक्यूल लेता हूं, साथ में इसके अंदर आप एड कर दो क्या, दो सोडियम, और आपकी जो रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, ड्राई इथर, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बड़े ध्यान से देखना, वी हैव CH3Cl एक मॉलिक्यूल, दो में क्या डालोगे, सोडियम मेटल, ये एक क्लोरोमीथेन है, दो मॉलिक्यूल ले रखे हमने, वी हैव अनदर क्लोरोमीथेन। तो आपके पास यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां से हमारे पास कौन रिमूव हो जाएगा, यहां से हमारे पास 2NaCl हो जाएगा क्या, रिमूव, और हमारे पास यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा यहां से क्या बनेगा, CH3 आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब सिंगल बॉन्ड CH3 कैसे, मान लो यहां पे होमोलिटी क्लीवेज हुआ होगा,
कार्बन क्लोरीन के बीच में होमोलिटी क्लीवेज हुआ होगा, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका भी जब होमोलिटी क्लीवेज हुआ कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करके क्या कर लेंगे बॉन्ड बना लेंगे, और साथ में हमारे पास यहाँ से कौन रिमूव हो जाएगा, 2NH वाला मान हो जाएगा रिमूव। सो दिस इज हमारी वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन में मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वुड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल लेते हैं किसके, हैलोजन एंड के सोडियम मेटल का ट्रीट करवाते हैं, इनका बिल्कुल किसके ट्राइथर, आपके पास क्या बनता है एल्केन बनता है। एक चीज का आप ध्यान रखोगे, वुड रिएक्शन में हमारे पास जो एल्केन बनता है वो बनता है सिमेट्रिकल एल्केन, मीन्स एल्केन के अंदर जो कार्बन एटम होंगे वो होंगे इवन नंबर वाले कार्बन एटम, मीन्स या तो इथेन बनेगा। अब एक और चीज आप चेक करोगे सेम, अब तो मेरे पास यहाँ पे क्लोरोइथेन की जगह क्लोरोइथेन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, क्लोरोइथेन के दो मॉलिक्यूल होते तो हमारे पास क्या बनता था, ब्यूटेन बनता, राइट। तो उसको भी क्लोरो करके बता देता हूँ, ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास है इथेन, अगर हम इसकी कर दें क्या क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी, तो आपके पास क्या बनेगा, बड़े ध्यान से देखोगे आप। जैसे हमने मैंने आपको ये वाला रूट करके दिखाया था, जैसे इथेन की क्लोरिनेशन करके आपके पास क्लोरोइथेन बना, वैसे अगर आप इथेन की क्लोरिनेशन करोगे आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बनेगा CH3 CH2 एंड व्हाट Cl, आपके पास क्या रिमूव हो जाएगा यहां से H विद वन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन विद वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एल्केन होता है वो कौन सी रिएक्शन देता है, वो देता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमारे पास यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, हमारे पास यहां से रिमूव हो जाएगा HCl, क्लियर। सो वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट क्लोरो इथेन। नाउ अगर हमें एक और एल्केन बनाना हो, क्योंकि हमने यहां पे दो मॉलिक्यूल किसके लिए थे क्लोरोइथेन के, अगर हम यहां पे दो मॉलिक्यूल किसके ले रहे हैं क्लोरोइथेन के, और उसमें क्या डाल दें, दो डाल दें सोडियम मेटल किसकी तरह में ड्राई इथर, मैं आपको ऑलरेडी रिएक्शन करके बता चुका हूं, ये वाली सेम रहेगा, यहां पे आपके पास क्या रिमूव हो जाएगा, यहां से हमारे पास रिमूव हो जाएगा 2NaCl हमारा हो जाएगा रिमूव, और हमारे पास यहां से क्या बन जाएगा ब्यूटेन बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 एंड व्हाट CH3। तो एक एल्केन से हम अनदर एल्केन बना सकते हैं बाय विच रिएक्शन, वुड रिएक्शन, बट एल्केन बनाने के लिए हमारे को कौन सा रिएक्टेंट चाहिए, दैट इज हैलो एल्केन, और हैलो एल्केन हमारे पास कहां से बन सकता है एल्केन से। तो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कन्वर्ट मीथेन इनटू इथेन, तो इथेन हमारे पास कहां से बनता है, दैट इज वुड रिएक्शन, इथेन के लिए हमारे पास क्या चाहिए होते हैं दो मॉलिक्यूल किसके क्लोरो मीथेन के, और मीथेन क्लोरो मीथेन हमारा कहां से बन जाता है मीथेन से। तो जैसे आप मीथेन की क्लोरीनेशन करोगे आपके पास क्या बनेगा क्लोरो मीथेन, क्लोरो मीथेन के अगर आप दो मॉलिक्यूल लेते हो साथ में उसके अंदर क्या डालोगे दो सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर आपके पास क्या बनेगा इथेन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि कन्वर्ट इथेन इनटू ब्यूटेन, तो इथेन से ब्यूटेन कैसे बनाएंगे आप, इथेन की पहले क्या करोगे क्लोरीनेशन आपके पास क्या बनेगा क्लोरो इथेन, क्लोरोइथेन के आप दो मॉलिक्यूल लोगे बाय यूजिंग सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई तो आपके पास क्या बन जाएगा ब्यूटेन बन जाएगा। तो दिस इज अ रूट जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप एक एल्केन से दूसरा एल्केन बना सकते हो, राइट। अब मैं आपको कुछ और प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूं यहां पे, जैसे कि आपने यहां पे मीथेन के अंदर क्लोरीन डाला था आपके पास कौन बना क्लोरोमीथेन, मैं यहीं से दोबारा से आपको Cl2 डाल रहा हूं बाय साथ में कौन यूवी, आपने रिएक्शन देख लिया क्या रिमूव होगा आपका HCl रिमूव होगा, हमारे पास क्या बन जाएगा CH3Cl। वो मैंने इसलिए कर लिया मेरे को एक और रूट बताना है आपको और अलग अलग फॉर्म बनाने बताने कि मीथेन से और भी क्या, देखो मीथेन से इस वाले रूट में मैंने क्लोरोमीथेन बनाया था, ये भी आपके पास फॉर्म बना है क्लोरोमीथेन, बट हमने वहां से क्लोरोमीथेन से एक और एल्केन बनाया, यहां से मैं आपको कुछ और प्रोडक्ट बनाने सिखा रहा हूं। अगर आप क्लोरोमीथेन के अंदर डाल दो एक्वस KOH, एक्वस KOH, तो एक्वस KOH हैलोजन के साथ क्या करता है, ये देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक ग्रुप जाएगा एक ग्रुप आएगा, तो CH3Cl की बात की जाए तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज पॉजिटिव, KOH की बात की जाए तो पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर कौन सा चार्ज नेगेटिव, तो यहाँ पे CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वहां से कौन अटैक करेगा OH नेगेटिव चार्ज, हमारे पास कौन बन जाएगा CH3 OH, क्लियर। यहां से हमारे पास K पॉजिटिव
पॉजिटिव नेगेटिव वी हैव रिमूवल ऑफ व्हाट केसीएल। ठीक है जी, दिस इज द वन ऑफ द रूट जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मीथेन से मीन एल्केन से कौन बना सकते हैं, हैलोजन बना सकते हैं, हैलोजन से कौन बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। राइट, कुछ और रूट मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम एल्कोहल के अंदर डाल दें, एल्कोहल के अंदर अगर मैं डाल दूं यहां पे पीसीएल फाइव, अब ये वाला रूट आपने बड़े ध्यान से देखना है, आप हैलोजन से एल्कोहल बना सकते हो, एल्कोहल से हैलोजन बना सकते हो, कैसे, आप मिथेनॉल के अंदर डाल दो पीसीएल फाइव, आपके पास यहां से क्या बन जाएगा CH3Cl। सो नॉट ओनली पीसीएल फाइव, यहां पर थायोनाइल क्लोराइड भी होता है हमारे पास, यहां पर ग्लूकोस एजेंट भी होता है, कोई सा भी यूज कर सकते हो। यहां से हमारे पास जो निकलेगा वो क्या क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा POCl3 और एक हमारे पास क्या निकलता है, एक हमारे पास निकलता है HCl। ये मैं आपको दोनों रिएक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं। नाउ नेक्स्ट, अगर आप CH3Cl के अंदर डाल दो KCl, CH3Cl के अंदर आप डाल दो KCl, KCl का यूज हम क्यों करते हैं, KCl का यूज करते हैं हम कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए, कैसे, ये भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, कैसे देगा, ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज पॉजिटिव, KCl के हमारे पास कौन सा चार्ज पॉजिटिव, CN हमारे पास कौन सा चार्ज नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा CH3 पॉजिटिव चार्ज है, CN हमारे पास कैसा चार्ज है नेगेटिव, तो हमारे पास यहां से क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा यहां से CH3, इट्स अ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको ओपन करके लिख रहा हूं, यहां से मेरे पास K पॉजिटिव है, CN नेगेटिव है, हमारे पास कौन भी रिमूव हो जाएगा, यहां से KCl हो जाएगा हमारा रिमूव, मींस हम हेलो एल्केन से कोल भी बना सकते हैं, साइनाइड भी बना सकते हैं, दिस इज साइनाइड फंक्शनलिटी। इस वाले कंपाउंड को अगर आप चेक करो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1, यहां पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो कितने हैं 2, तो हमारे पास कार्बन चेन क्या भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। राइट, नाउ नेक्स्ट कुछ और बनाते हैं यहां से, अगर आप मिथेनॉल के अंदर डाल दो K2Cr2O7, K2Cr2O7 दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्कोहल के अंदर जब भी आप K2Cr2O7 डालोगे दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बनाएगा कोरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, कोरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का मतलब अगर इसके अंदर एल्कोहल के अंदर एक कार्बन है तो एल्डिहाइड कितने कार्बन वाला बनेगा, एक वाला ही बनेगा, तो हमारे पास यहां से क्या बन जाएगा, इट्स HC(OH)। This is your methanol. Now check. यहां से यहां जाते हुए क्या क्या हुआ, यहां पे एक कार्बन था मिथेनॉल के अंदर, इसके अंदर भी कितना कार्बन एटम है 1, इसके अंदर टोटल आइटम कितने 4, एल्डिहाइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने 2, मींस यहां से यहां जाते हुए 2 हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं रिमूव, एल्कोहल के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने थे 1, एल्डिहाइड के अंदर भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने 1, मींस यहां से यहां जाते हुए ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं है, यहां से यहां जाते हुए किसके अंदर चेंज आ रहा है, हाइड्रोजन के अंदर चेंज आ रहा है, यहाँ पे 4 आइटम है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कितने थे 2, तो यहां से यहां जाते हुए 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन व्हाट दैट इज नोन एज व्हाट ऑक्सीडेशन, बट हाइड्रोजन लेके नहीं जाएंगे, वो किसके साथ जल अपसरण कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो हमें साथ में यहां पे कौन भी एड करना पड़ेगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जो यहां से 2 हाइड्रोजन निकले वो निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कैसे वाटर मॉलिक्यूल, मीन्स अब आप ध्यान से तो चेक करोगे अभी तक क्या हुआ, हम एल्केन से हेलो एल्केन बना सकते हैं, हम हेलो एल्केन से एल्कोहल बना सकते हैं, एल्कोहल से आप दोबारा से हेलो एल्केन बना सकते हो, और एल्कोहल से आप क्या भी बना सकते हो एल्डिहाइड बना सकते हो। राइट, अगर मैं एल्डिहाइड की फिर से कर दूंगा ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड की अगर हम ऑक्सीडेशन दोबारा से करते हैं तो ये बना देता है कोरेस्पॉन्डिंग एसिड, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एसिड कौन बनेगा, इट्स मिथेनोइक एसिड, इट्स HC(OH), इट्स OH, दिस इज व्हाट, दिस इज मिथेनोइक एसिड, चेक करो यहां से यहां, अच्छा इसके लिए जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं दैट इज अगेन व्हाट, इट्स K2Cr2O7, नाउ चेक यहां से यहां जाते हुए क्या हो रहा है, चेयर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 1, चेयर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 1, कार्बन में कोई चेंज नहीं है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने यहां पे 1, वहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने 2, यहां से यहां जाते हुए नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन व्हाट ऑक्सीडेशन, यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने 2,
यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं टू, तो हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ से क्या करते हैं, जस्ट हमारे पास बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट ऑक्सीडेशन, और मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या भी लिख दूं एक ऑक्सीजन, मीन जो यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? सो दिस इज आवर मिथेनॉल, दिस इज व्हाट, दिस इज मिथेनोइक एसिड। कुछ और बनाते हैं, दिस इज हमारा मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड के अंदर अगर हम डालते हैं फोर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज मेंडियस रिएक्शन। साइनाइड के अंदर जब भी आप हाइड्रोजन डालते हो मीन्स उसका रिडक्शन करते हो, ये बनाएगा कोरेस्पॉन्डिंग अमाइन। कोरेस्पॉन्डिंग अमाइन नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पे कितने टू, तो नंबर ऑफ टू कार्बन एटम वाला अमाइन कौन होगा, दैट इज CH3 CH2 एंड व्हाट दैट इज NH2, इसे कोरेस्पॉन्डिंग अमाइन। चेक करो यहां पे हमारे जो दो पाई बॉन्ड थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जो दो पाई बॉन्ड थे वो ब्रेक डाउन हुए, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे, इस वाले नाइट्रोजन के साथ भी दो हाइड्रोजन लगे, वहां पे आप चेक कर रहे होंगे। तो ये रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आती है पेपर में, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, इट्स मेंडियस रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है। मैं इसको आपको नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है वाली रिएक्शन, चलो बता देता हूं एक बार फिर से, मेरे पास है यहां पे, मैं यहां पे बता रहा हूं, इट्स अ CH3, इट्स अ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बॉन्ड ट्रिप ऑलरेडी होता है, मेरे पास चार हाइड्रोजन है, और हर हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 1, अगर मैं इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता हूं बाय होमोलिटी क्लीवेज, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका भी अगर होमोलिटी क्लीवेज करते हैं कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। नाउ चेक ये वाला कार्बन, ये कार्बन एक बॉन्ड साइड को बना रहा है, बॉन्ड साइड को बना रहा है, टू बॉन्ड, दो इसके पास क्या पड़े इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड, चार इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वहां पे वहां से दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन विद वन इलेक्ट्रॉन आएगा, हाइड्रोजन विद वन इलेक्ट्रॉन आएगा, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नाउ चेक नाइट्रोजन को चेक करना, नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, चार उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, इस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए सिक्स, दो और हाइड्रोजन बचे हुए जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सो वहां से आ जाएगा हाइड्रोजन विद वन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन विद वन इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, मीन्स हमारे पास क्या बनेगा CH3CH2NH2, CH3CH2NH2। मीन्स जब भी आप साइनाइड के अंदर साइनाइड की करोगे रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, आपके पास क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। एक और रूट, अमाइन के अंदर अगर आप डाल दो HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड। अमाइन के अंदर अगर आप डाल दो नाइट्रस एसिड HNO2, ये बनाएगा कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट्स अ CH3, इट्स अ CH2 एंड इट्स व्हाट OH, दिस इज योर अल्कोहल। नाउ चेक यहां से यहां जाते हुए क्या क्या मूव हुआ, देखो इथाइल ग्रुप यहां पे भी है, इथाइल ग्रुप यहां पे भी है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये वाला ग्रुप यहां पे भी है, ये वाला ग्रुप यहां पे भी है, यहां पे NH2 है, वहां पे OH लगा है, मान लो ये OH कहां से आया होगा, एक हाइड्रोजन मान लो यहां से यूज हुआ, एक ऑक्सीजन वाला मान लो यहां से यूज हुआ, दैट इज OH। नाउ एक्स्ट्रा हमारे पास क्या निकला, एक नाइट्रोजन यहां पे था, एक नाइट्रोजन हमारे पास ये वाला था, एक तो हमारे पास कौन निकल गया यहां से, एक निकल गया हमारे पास यहां से N2। नाउ चेक क्योंकि जो हमारा OH लगा है वो यहां का हाइड्रोजन यूज हुआ है, यहां का कौन यूज हुआ है ऑक्सीजन, इसका मतलब यहां का एक ऑक्सीजन और यहां पे जो दो हाइड्रोजन थे वो आपस में कंबाइन करके एक्स्ट्रा क्या निकाल लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज द रिएक्शन जिसमें हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे अमाइन के अंदर अगर नाइट्रस एसिड डाल लेंगे HNO2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा कोरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल, ठीक है जी, कोरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनेगा। अब इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे रूट हैं, अगर हम इसके अंदर डालते हैं अगर मान लो PCl5 डालने से बेटर है इसके अंदर हम डाल दें K2Cr2O7। आप बोल लोगे आपने ऑलरेडी K2Cr2O7 डाला हुआ है एल्कोहल के अंदर, इसको करने का मेरे पास एक
KCl को 7 गुण डाल रहा हूं। मैं आपको यह बार ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी आप अल्कोहल के अंदर KCl को 7 डालोगे आपके पास क्या बनेगा, कोरेस्पोंडिंग अल्कोहल बनेगा। तो यहां पे भी आपके पास कोरेस्पोंडिंग अल्कोहल कौन सा बनेगा, इथेनॉल है कोरेस्पोंडिंग एल्डिहाइड बॉन्ड, फिर इथेनॉल, फिर CH3, फिर C डबल बॉन्ड O एंड व्हाट H। क्या किया था हमने यहां पे, जस्ट एक ऑक्सीजन डाला था, एक ऑक्सीजन डाला था और उसका हमारे पास क्या रिमूव कर रहा था, वॉटर मॉलिक्यूल। क्योंकि ये वाला रूट मेरे को जहां पहुंचना था वो सफिशियंट नहीं है, क्योंकि मेरे को कार्बन चेन रिड्यूस करनी सिखानी है आपको, तो वहां पे नहीं पॉसिबल होगा। तो इथेनॉल से हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया कौन, इथेनॉल। इसके बाद अगर हम इसके अंदर डाल दें, इसके अंदर अगर हम डाल दें यहां पे, यहां से चलते थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, थोड़ी जगह की कमी है हमारे पास, दिस इज इथेनॉल। अगर इसके अंदर हम डाल दें K2Cr2O7, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जब भी आप एल्डिहाइड के अंदर K2Cr2O7 डालते हो वो एल्डिहाइड आपका किसमें चेंज हो जाएगा, कोरेस्पोंडिंग एसिड में। मींस हमारे पास यहां से क्या बन जाएगा, इट्स CH3, इट्स C डबल बॉन्ड O एंड OH। क्या किया था आपने, जस्ट यहां पे क्या डाला था, एक ऑक्सीजन एड किया था। सो यहां पे हमारे पास इथेनॉइक एसिड बना था, हमारे पास इथेनॉइक एसिड भी बन रहा है। मींस बोलने का मतलब क्या है कि आप मीथेन से, आप मीथेन से इथेनॉइक एसिड भी जा सकते हो, आप मीथेन से इथेनॉइक एसिड भी जा सकते हो, आप मीथेन से मीथेनॉइक एसिड इसलिए गए क्योंकि आपने कार्बन चेन इंक्रीज नहीं की थी, आप मीथेन से इथेनॉइक एसिड इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपने क्लोरोमीथेन के अंदर क्या डाला था, KCl। KCl क्या करता है, कार्बन चेन को करता है इंक्रीज। थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है बट आपने खानी है इसको खिचड़ी को। अगर हम एसिड के अंदर डाल दें PCl5, एसिड के अंदर हम डाल दें PCl5, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये PCl5, को ये बनाता है एसिड क्लोराइड। ये बनाएगा एसिड क्लोराइड, मींस इट्स अ CH3, इट्स अ C डबल बॉन्ड O एंड व्हाट Cl। दिस इज योर इथेनॉइल क्लोराइड। एसिड के अंदर हम PCl5 डालेंगे बनाएगा इथेनॉइल क्लोराइड कोरेस्पोंडिंग एसिड क्लोराइड। और हमारे पास यहाँ पे जो रिएजेंट निकल, एक्स्ट्रा चीजें निकलती है वो निकलती है तो POCl3 और एक हमारे पास कौन निकलेगा यहाँ से HCl। आपने पढ़ रखा है बेसिक, थोड़ा छोटा छोटा हो रहा है, आपको सारी चीजें मैं रिवाइज करवा दूं। जब भी आप एसिड से एसिड क्लोराइड बनाओगे आप डालोगे PCl5, आपके पास एक POCl3 निकलेगा, एक आपके पास कौन निकलेगा HCl। क्लियर। अगर आप इस एसिड क्लोराइड के अंदर डाल दो NH3, इसके अंदर अगर आप डाल दो NH3 तो ये बनाता है अमाइड, कोरेस्पोंडिंग अमाइड, इट्स अ CH3, इट्स अ C डबल बॉन्ड O एंड व्हाट, दैट इज योर NH2। ये बनाएगा कोरेस्पोंडिंग अमाइड। कैसे बनाएगा, अगर मैं कार्बन क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब मैं इसी को थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहा हूं, नाइट्रोजन, तीन हमारे पास कौन भी है, हाइड्रोजन, तीन हमारे पास हाइड्रोजन भी है। अगर मैं नाइट्रोनाइट्रोन के बॉन्ड को ब्रेक करूं, नाइट्रोनाइट्रोन के बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो नाइट्रोनाइट्रोन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नाइट्रोजन की, ये बॉन्ड हमारा इस साइड शिफ्ट होगा, जैसे ये बॉन्ड इस साइड पर शिफ्ट हुआ नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, वहां से एच पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन हो जाएगा Cl- के साथ, हमारा रिमूव हो जाएगा बॉन्ड, HCl रिमूव हो जाएगा, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज पॉजिटिव, वहां से NH2 भी कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, एंड वी हैव फॉर्मेशन ऑफ व्हाट अमाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आप बहुत सारे चेंजेस देख रहे होंगे, आप मीथेन से स्टार्ट हुए थे और आप अमाइड तक पहुंच गए, कार्बन चेन भी आपकी इंक्रीज हो गई है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कभी भी कार्बन चेन इंक्रीज डिक्रीज करनी हो, कार्बन चेन को रिड्यूस करना हो, तो आप अमाइड के अंदर डाल लोगे Br2 एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ किसके, KOH। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारा अमाइड होगा वो कन्वर्ट होगा अमाइड के अंदर, लेकिन उस अमाइड के अंदर जो कार्बन एटम होंगे वो अमाइड से एक कम होगा। इस अमाइड के अंदर दो कार्बन एटम है, अमाइड के अंदर जो कार्बन एटम होंगे वो एक ही रहेगा, मींस हमारे पास कौन बनेगा CH3NH2, मींस
हमारे पास ये वाला ग्रुप हो जाएगा यहां से रिमूव। नाउ चेक एच का प्रोडक्ट क्या निकलेगा, दो ब्रोमीन यहां पे, चार पोटेशियम में से दो पोटेशियम यूज करके क्या निकल जाएगा, टू के बी आर रिमूव हो जाएगा। एक तो हमारे पास साथ में मेरे पास यहाँ पे चार हाइड्रोजन बचे हैं, चार हाइड्रोजन भी है, चार ऑक्सीजन के दो ऑक्सीजन यूज करके क्या भी निकल जाएगा, दो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने चार पोटेशियम में से दो ही पोटेशियम यूज किए हैं, तो दो पोटेशियम यहां से, दो ऑक्सीजन बचे हैं हमारे पास यहाँ पे, यहां से एक ऑक्सीजन और बचा है कार्बन, मीन एक कार्बन बचा है, दो पोटेशियम बचे, तीन ऑक्सीजन बचे हैं, साथ में हमारे पास कौन भी रिमूव हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट, दैट इज K2CO3। तो अमाइड से हम क्या भी बना सकते हैं, अमाइन बना सकते हैं। कार्बन चेन हमारी क्या हो रही है यहां पे, रिड्यूस हो रही है, ठीक है, कार्बन चेन हमारी रिड्यूस हो रही है। और भी हमारे पास बहुत सारे रूट हैं जहां से हम बहुत सी चीजें बना सकते हैं, मैं आपको कुछ रूट और बताता हूं। अगर हम इसके बाद डालें, मैं अगर यहां पे, ये मेरे पास एल्कोहल है, इस एल्कोहल के अंदर अगर हम डाल दें एसिड, CH3COOH, एल्कोहल के अंदर हम एसिड डाल दें, एल्कोहल और एसिड आपस में कंबाइन करके एसिड बनाते हैं, एसिडिफिकेशन रिएक्शन मैंने पूरे लेक्चर में दोबारा रखी है आपको, और ये रिएक्शन आपकी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आपके पास क्या होता है, एल्कोहल का एच पॉजिटिव निकल जाता है, एच पॉजिटिव निकलेगा ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव, एसिड का कौन OH नेगेटिव, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज पॉजिटिव, यहां से एच पॉजिटिव वहां से OH नेगेटिव, कौन रिमूव हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास रिमूव हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CH3CH2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वहां से कौन अटैक करेगा, कार्बन इज पॉजिटिव, इट्स द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में कौन भी रिमूव हो जाएगा CH3। दिस इज योर एस्टर, आपने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है जी। तो आप एल्कोहल से क्या भी बना सकते हो, एसिड भी बना सकते हो बाय यूजिंग विच रिएजेंट, क्या ऐड कर लो आप उसके अंदर एसिड। और भी मेरे पास बहुत सारे रिएजेंट हैं जो हम इसके अंदर डाल के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट फिलहाल के लिए आपके पास ये टेबल है, आप इस टेबल को देखोगे, मैं नेक्स्ट टाइम जब आपके पास आऊंगा इसमें मैं कुछ और एक्स्ट्रा रिएक्शन डाल दूंगा, प्लस मैं आपको कि कन्वर्जन करते कैसे वो मैं सिखाऊंगा बाय यूजिंग दिस टेबल, इस टेबल का यूज करके, कुछ नहीं है कन्वर्जन के अंदर, कन्वर्जन बढ़िया सारा चीज काम है, ठीक है जी। तो आप देख रहे होंगे मीथेन से हेलोजन बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, एल्डिहाइड, ऑलमोस्ट हमने मैक्सिमम चीजें बना ली है, और भी मैं आपको चीजें बनानी सिखाऊंगा यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए आप इतना सा जो टेबल हमारा है इसको आप तैयार करोगे, ठीक है, सो देट मैं आपको नेक्स्ट टाइम कन्वर्जने करके बताऊं कि कन्वर्जने करते कैसे। सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।